बाद आपने देखा होगा कि जो आपके घरों में जो बिजली की तारे रहती है उन तारों के ऊपर एक कोटिंग रहती है, यानी कि जो वायर है अंदर तो मेटल की वायर है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब उसको छीलेंगे तो अंदर से तो वायर निकलेगी, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग रहती है जो कि पीवीसी या फिर रबर मटेरियल की होती है। वो क्यों लगाई जाती है? उसका रीजन ये है कि जब हम तो बिजली की तार में से उस वायर में से करंट पास होगा और अगर हम गलती से उसको छू लेंगे तो हमें भी करंट शॉक लग सकता है, तो उसके ऊपर एक कोटिंग दी जाती है। उस कोटिंग की वजह से करंट जो है, जो शॉक है, वो नहीं लगता है। तो उसका रीजन सिंपली ये है कि कोटिंग के कारण जो करंट है उसका वो अंदर ही जाता है, बाहर नहीं आ पाता है। बिकॉज जो रबर है इट इज अ बैड कंडक्टर, वी कैन से इट इज एन इंसुलेटर, यानी कि उसमें से बिजली करंट पास नहीं हो सकता है, इसलिए उसकी कोटिंग जो है वो रबर की या फिर पीवीसी की बनाई जाती है। आगे हम देखते हैं कि जो मेटल्स रहते हैं उनको जब हम मारते हैं या उसको पीटने की कोशिश करते हैं, उसको मारा जाता है, देन दे प्रोड्यूस अ साउंड, वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, हमने देखा है बहुत बार ये। सो मेटल्स जो है दे प्रोड्यूस साउंड ऑन बीटिंग, जब उसको मारेंगे हम लोग तो वो साउंड प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सोनोरस, इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है सोनोरस। इसके लिए एग्जांपल अगर आपको दूं तो आप लोग जानते हैं कि आजकल तो हमारे स्कूलों के अंदर जो घंटियां हैं वो ऑटोमेटिक आ गई है, बट एक वो गोल जो मंदिर वाली घंटी रहती है हमारी, यस मंदिर की जो घंटी रहती है, जब हम उसको जाके बजाते हैं हम तो उसको नॉर्मल अपने हाथ से जितना हमारे इधर एक नॉर्मल वे में उसको बजाते हैं, लेकिन उसका साउंड कहां तक जाता है, कैसे गूंजता है उसका साउंड, तो वो प्रॉपर्टी है सोनोरस। तो यही प्रॉपर्टी है जिस कारण से वो साउंड गूंज रहा है। अब आप कहेंगे कि अगर उस मेटल की घंटी को हम लकड़ी की घंटी लगा दें उसकी जगह तो क्या वो साउंड करेगी? वहां पर कोई भी साउंड नहीं आएगा, लेकिन यहां पर हमको जो मेटल की घंटियां है उसमें साउंड आएगा। सो द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल टू प्रोड्यूस साउंड इज नोन एज सोनोरस, इसको कहा जाता है सोनोरस। तो हम देख सकते हैं इवन स्कूल बेल्स जो है वो भी इसी मटेरियल से बनती है, जो मेटल की रहती है वो भी सोनोरस जो प्रॉपर्टी है वो शो करती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हमने अब तक पढ़ी ये सब प्रॉपर्टीज थी मेटल की। तो मेटल्स के बारे में हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये आपको माइंड में रखना है सब। अब अगला हमारा टॉपिक है नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के बारे में हम जानेंगे। नॉन मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो है उनके कुछ एग्जांपल देखें। कार्बन, सल्फर, ऑक्सीजन एटसेट्रा, ये सब नॉन मेटल्स हैं। मेटल्स जिंक, आयरन हो गया हमारा, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सब मेटल्स हैं। और हम बात करें अगर इन सब की तो दीज ऑल आर नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स के बारे में जानते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अब नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर सॉलिड और इवन गैसियस। तो नॉन मेटल्स जो रहते हैं वो सॉलिड फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं और गैसियस फॉर्म में भी देखने को मिल सकते हैं। The non-metals are either solids or gaseous except bromine which is liquid. यहाँ पर जो bromine है वो सिर्फ liquid form में पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो है ये हमारा एक special case है। Bromine जो है वो एक special case है, सिर्फ non-metals में bromine जो है वो liquid form में पाया जाता है, बाकी सब metals, non-metals जो है वो सॉलिड या गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है कि गैसियस या सॉलिड फॉर्म में हमको ये मिलते हैं। अब इसके अलावा हम देखते हैं कुछ और मेटल्स के बारे में, जैसे कि जो मेटल है हमारा मर्कुरी जो है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में मिलता है। मर्कुरी एक मेटल है लेकिन फिर भी
वो रूम टेम्परेचर पे रखा जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में देखा जाता है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा कि मेटल्स जो रहते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई रहते हैं, लेकिन गैलियम और सीसियम जो दो ऐसे मेटल्स हैं जिनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो कम रहता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में कल बताया था कि जो मेटल्स रहते हैं दे हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। जैसे आप जानते हैं कि लोहा, आप लोहे को अगर पिघलाना चाहें उसको गर्म कितनी देर गर्म करना है, आप गैस पे रख के उसको पिघला सकते हो, अपने जो कुकिंग गैस है उस पे रख के पिघला सकते हो आयरन को, यस या नो, क्या कर सकते हैं ऐसा? नो, ऐसा नहीं हो पाएगा। आप लोहे के कोई भी टुकड़े को लेके गैस के ऊपर कढ़ाई में डाल के रख देंगे तो वो नहीं पिघलने वाला है, या इवन आप उसको आग में भी डाल देंगे तो भी नहीं पिघलने वाला है। तो ये हमको बताता है कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा है। इस कारण से जो इंडस्ट्रीज के अंदर जो लोहे का, आयरन का या मेटल्स का यूज किया जाता है उसको पिघला के अलग अलग चीजें बनाई जाती हैं, उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी भट्टियों का यूज होता है, बड़ी बड़ी फर्नेसेस होती हैं जिसके अंदर टेम्परेचर हजारों डिग्री रखना पड़ता है, फिर कहीं जाके वो मेटलिक चीज पिघलती है। आपने लोहे को पिघले हुए फॉर्म में देखा होगा, लाल लावे की तरह निकलता है इंडस्ट्री में से, तो उसको पिघला कर अलग अलग शेप दिए जाते हैं। तो ये बताता है हमको कि जो मेटल्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है। सिर्फ दो मेटल्स ऐसे हैं जिनका नाम मैंने बताया, गैलियम और सीशियम, ये दो मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट काफी जो है बाकी सबका ज्यादा रहता है। आयोडीन की बात करें, आयोडीन एक नॉन मेटल है, आयोडीन इज नॉट अ मेटल, लेकिन आयोडीन फिर भी लस्टर शो करता है, वो फिर भी चमकता है। अब यहां पर मैंने क्या बताया था पहले आपको कि जो नॉन मेटल्स हैं वो चमकते नहीं, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता भी है, इट शोस लस्टर आल्सो। फिर कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। कार्बन एक नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है। Each form is called allotrope. कार्बन जो है अलग अलग फॉर्म में मिलता है और हर एक फॉर्म को हम एलोट्रोप कहते हैं। क्या कहते हैं? एलोट्रोप। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है वो भी कार्बन का ही एलोट्रोप है। That is the hardest material known to us naturally. तो हमने देखा यहाँ पर कि जो आइस एलोट्रोप्स कहते हैं कि कार्बन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है, तो उसके अलग अलग फॉर्म्स को हम कह सकते हैं एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स में अंदर अगर देखें तो डायमंड जो है, डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन। डायमंड जो है कार्बन का ही एलोट्रोप है, उसी का ही रूप है, यानी कि उसी का भाई है डायमंड जो है। अब डायमंड जो है वो एकदम हार्डेस्ट मटीरियल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो अर्थ के ऊपर हमको मिलता है नेचुरली। डायमंड आप देखो, डायमंड को आप किसी भी चीज से नहीं तोड़ सकते, यानी कि बहुत ही हार्डेस्ट मटेरियल है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो इस धरती पे हमको नेचुरली मिला है। और उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है। ग्रेफाइट अनदर एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहां पर हम देखा कार्बन जो है, कार्बन के एलोट्रोप्स के बारे में देखा हमने। अब जो अगर बात करें डायमंड की, डायमंड भी कार्बन का एलोट्रोप है। अगर हम बात करें ग्रेफाइट की, ये भी कार्बन का ही एलोट्रोप है, लेकिन अब दोनों में आप फर्क देख लीजिए। ये डायमंड है जिसको हम हीरा जिसको बोलते हैं, जिसको हम अपने आभूषणों में यानी कि ज्वेलरी में ऐड करवाते हैं, अपने लिए खरीदते हैं और उसको शो ऑफ के लिए पहनते हैं। लेकिन ग्रेफाइट जो है इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट जो कि एक नॉन मेटल है फिर भी वो गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो एलोट्रॉप्स हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टीज भी शो कर सकते हैं। तो भले वो है सब कार्बन के भाई, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई। इसके बाद आगे देखते हैं, अल्काली मेटल्स आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद नाइफ। अब कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं अल्काली मेटल्स। अब अल्काली मेटल्स जो हैं वो मेटल्स हैं जो चाकू से काटे जा सकते हैं। बताइए, आप लोहे को चाकू से काट सकते हैं, एल्युमिनियम को काट सकते हैं या कॉपर को काट सकते हैं? नो,
बट कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिनको आप आसानी से काट सकते हो, दे आर कॉल्ड अल्काली मेटल्स, जिसमें सोडियम पोटेशियम और इवन लिथियम भी हम जोड़ सकते हैं। सो वी कैन से दैट जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज काफी कुछ जगहों पर सिमिलैरिटी भी देखने को मिलती है कुछ नॉन मेटल्स के अंदर, और कुछ जगहों पे काफी ज्यादा भेद भी उनके बीच में देखने को मिलता है। ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं दे प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स,